नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव हैं और आए दिन इंस्टाग्राम पर अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहते हैं। अनुपम खेर और दिवंगत एक्टर सतीश कौशिक बहुत करीबी दोस्त थे और उनके गुजर जाने के बाद अनुपम उनकी बेटी का खास ख्याल रख रहे हैं। अनुपम खेर ने हाल ही में एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें वो सतीश कौशिक की बेटी वंशिका से बात करते नजर आ रहे हैं। वीडियो में वंशिका बता रही है कि कैसे वह अपने पिता को बहुत मिस करती है। वह बता रही है कि वह अपने डेली लाइफ में आजकल क्या करती है और वह बड़ी होकर क्या करना चाहती है। वीडियो में अनुपम खेर वंशिका को प्रिंसेस कहकर पुकारते हैं। वह बताती है कि कैसे सुनकर बहुत खुशी होती है। फिर अनुपम खेर बताते हैं कि कैसे बचपन में बहुत गरीब थे लेकिन फिर भी उन्हें प्रिंस जैसी फीलिंग आती है। वंशिका बताती है वह अपना ज़्यादातर वक्त क्राफ्ट में बिताती है और अनुपम खेर ने भी उसके काम की तारीफ की। वंशिका ने बताया कि वह स्कूल में म्यूजिक और सिंगिंग में पार्टिसिपेट करती हैं। अनुपम खेर ने जब सतीश कौशिक की बेटी से पूछा कि बड़ी होकर एक्ट्रेस बनना चाहती हैं या नहीं, तो जवाब में वंशिका ने कहा मुझे नहीं पता। तब अनुपम खेर ने जवाब दिया अगर तुम्हें कभी भी एक्ट्रेस बनना हो तो मैं ना सिर्फ पर्सनली एक टीचर के तौर पर तुम्हें एक्ट्रेस बनने के लिए ट्रेन करूंगा बल्कि मैं खुद तुम्हें फिल्मों में लॉन्च भी करूंगा। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ।